हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन हम तो लोग देखेंगे। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी की जाए जैसे क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब कि लंबाई को बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब क्षेत्रफल दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई आप लोग भी जानते हैं। तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। अब बोल रहा है कि लंबाई में 25% बढ़ा दी जाए तो मतलब पहले लंबाई कितना था, 4 था, अब 1 बढ़ा दिया जाए तो 5 हो गया, और चौड़ाई पहले कितना था, 5 था, तो इसमें 4 कर दें जिससे क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। ये देखिए, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब ये सेम होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करने, पहले 5 था, अब 1 की कमी कर दीजिए, 4 हो गया, तो 1 की कमी आया कितना पे, 5 पे इंटू 100, 5 से क्या है तो 20%। मतलब कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को है 20% का अगर हम कमी कर देते हैं तो जो क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल सेम रहेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, आ गया। इसका आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला 120/120% × 100 करके निकालते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। देखिए, एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि आयत की लंबाई 20%, तो 20% का मतलब जानते हैं आप लोग, 1/5 कमी कर दें, तो मतलब कि ये पहले 5 था, ये अब 4 कर दिया जाए, तो आयत के चौड़ाई में कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो पहले 4 था तो इसको 5 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 रहेगा, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो 4 से 5 बढ़ाए तो 1 बढ़ गया, और इंटू 4 इंटू 100 तो कितना मतलब में जाएगा, 25%। मतलब कि 25% इसको क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए चौड़ाई में जिससे क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए, आपको इस ट्रिक अच्छा लगे, इस सारे परसेंटेज के क्वेश्चन हम इसी बेस पे करेंगे। तो देखिए, आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 50% बढ़ा दिया जाए तथा उसका क्षेत्रफल है जो 20%। देखिए, यहाँ पे अब क्षेत्रफल दे दिया, पहले आपको चौड़ाई देता था बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं जिससे चौड़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लीजिए, पहले हम लोग चौड़ाई में कितना परसेंट बढ़ाना जाए कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन अब क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में पूछ रहा है कि कितना कोई प्रभाव नहीं पड़े कि क्षेत्रफल में, मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो जिससे चौड़ाई को कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब देखिए, इसको क्या लिखते हैं, एल इंटू बी इजकल टू एरिया होता है, आप लोग भी जानते हैं। देखिए, लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, मान के चलिए पहले 100 था, ई भी चौड़ाई भी 100 था, तो एरिया कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए, कह रहा है कि लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, तो 100 का 50% जब बढ़ गया तो 150 हो गया, और उसका क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, पहले 10,000 था, अब 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12,000। इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 × 10,000, 20 से 20 हो गया तो ये आ गया 20,000, बढ़ गया। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं, तो ये कह रहा है कि चौड़ाई में क्या करें कि कोई प्रभाव नहीं पड़े, कितना बढ़ गया, 10,000 से 12,000 हो गया, तो 2,000 बढ़ गया, कितना पे, 150 पे, एक से इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है, तो एक जो 100 × 100 कर दे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो एक कितना मात्रा में जाएगा, 80%। अब 80% आया, मतलब आप पहले 100% था, 100 − 80 कर देंगे, इसका मतलब कि 20% की कमी की जाए,
क्योंकि 80 आया तो अब लोग भी जानते हैं 100 था तो 20% कम है, इसका मतलब 20% की कमी की जाए जिससे उसको उसका क्षेत्रफल पे 20% मतलब कमी कर दे जिससे उसका क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक वर्ग की भुजा है जो वर्ग की भुजा 12% बढ़ रहा है, यहाँ पे वर्ग है पहले आया था और वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर है, ए इंटू ए लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर होता है ए, ए और वर्ग एरिया, एरिया हो गया। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए, पहले 100 था ए भी 100 था तो एरिया कितना हो जाएगा 10,000, 12% बढ़ा दिया जाए मतलब कितना हो जाएगा 112 ये भी हो गया, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, सॉरी 112 होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका 12,544, तो कितना बढ़ गया 2,544 बढ़ गया, कितना पे 10,000 पे इंटू 100 काटिए तो कितना जाएगा 25.44% इसका जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यही आप अगर आप इसके बाद आपको आया था है वर्ग आए कुछ भी आए आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं फार्मूला पे डायरेक्ट परसेंटेज कितना क्षेत्रफल कभी बढ़ाएगा कभी लंबाई बढ़ाएगा कभी चौड़ाई बढ़ाएगा उसे सारे आपको निकल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं। नहीं देखिए इसका और एक पार्ट और है इसी में कर लेते हैं हम लोग, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल अब फिर बढ़ा दिया तो भुजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग भुजा स्क्वायर होता है ए, ए और क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए 44% बढ़ा दिया जाए, मान के चलिए पहले 100 था तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10,000, 44% बढ़ा दिया जाए क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए इसका 44% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 44% हो गया इसका, ये पहले 100 था ये पर क्या प्रभाव पड़ा, अब ये पहले 100 था मान के चलिए x है x परसेंट बढ़ गया तो भुजा स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से x कितना हो जाएगा 120, और पहले 100 था भुजा स्क्वायर अब x कितना आया 120 तक कितना परसेंट वृद्धि हो गया 20% का वृद्धि, साइन दे दिए वृद्धि का, तो आप लोग भी देख ली कितना है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, वृत्त की त्रिज्या है 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आप लोग इसका एक एक तरीका से और भी निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चन को, आप लोग भी जानते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है, इस पे भी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस पे बताता हूं क्योंकि इस पे सारे क्वेश्चन आगे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें अगर पूर्णांक में दे दे 12 पूर्णांक 1/2% तो इसमें दिक्कत हो जाती है, इसीलिए देखिए 25% बढ़ा दिया जाए वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या है 100 हो जाएगा 10,000 और 25% बढ़ा दिया जाए तो 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,625, कितना बढ़ गया 5,625 बढ़ गया, कितने पे 10,000 पे इंटू 100 तो काटेंगे तो कितना जाएगा 56.25% जो आपका क्षेत्रफल है जो वृद्धि हो जाएगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के प्रत्येक भुजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले भुजा था 100 10,000 हो गया 21% बढ़ा दिया जाए क्षेत्रफल पे 21% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इतना x था x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 121 के, आप लोग ये जानते हैं 110 का होता है कितना परसेंट बढ़ गया 100 था और 110 में से 100 घटाएंगे तो कितना जाएगा 10% की वृद्धि होगी आपका,
देखिए कितना इजी में लिखे, अगर एग्जाम में डायरेक्ट करना पड़े 21% बढ़ाना है जाए, अगर इस फॉर्मूला को हम इस पे भी रख दें इस वाले पे, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल का है मान के चलिए आपका यहाँ पे भुजा है, तो क्षेत्रफल इधर 21% 100 है, तो इस पे भी आप लोग निकाल सकते हैं इजी से। लेकिन यही है 21% इसमें है, तो फिर इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये बेस्ट तरीका है, इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। इस पे करिए, आपको बहुत इजी लगेगा, प्रैक्टिस कीजिए, दो चार दिन आपका अपने सही हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।